नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। तो खबर दिल्ली से है, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में महज 9 साल की मासूम बच्ची, जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर थी, उसके साथ जूता फैक्ट्री में रेप की वारदात जैसे जघन्य अपराध को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। आरोपी है कि पड़ोस की जूता फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति, जो पिछले 10-12 साल से फैक्ट्री में काम करता था। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसला कर फैक्ट्री में बुलाया और वहां बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बच्ची ने पूरी कहानी अपनी परिवार वालों को बताई तो परिवार वालों ने आरोपी को जाफराबाद इलाके से पकड़ा और पुलिस को सौंपा और मुकदमा दर्ज करवाया। सीलमपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की खबर सबसे पहले पीड़िता की मां को लगी। जब लहूलुहान हालत में बच्ची घर पहुंची तो दुष्कर्म का शक परिजनों को हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित बच्ची जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए जग प्रवेश अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई और आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान 46 वर्षीय साजिद के तौर पर हुई। वो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। साजिद न्यू सीलमपुर इलाके की एक जूता फैक्ट्री में काम करता था। आरोपी साजिद खुद भी 6 बच्चों का बाप है, जिसमें 3 बेटी और 3 बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक मुकर्रम को भी अपने हिरासत में ले लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा शर्मसार वाली ये खबर थी, जो कि कहीं ना कहीं मानवता पे एक सवाल खड़ा कर देती है कि जिस इंसान के खुद 3 लड़कियां और 3 लड़के, यानी कि 6 मासूम बच्चे, वो कैसे एक मासूम के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है। मैं बच्चे की बुआ हूँ। मुझे जब पता चला तो मैं शाम तक आई हूँ यहाँ पर। ये पता चला कि वो दरवाजे के आगे स्कूटर पे बैठी हुई, बाइक पे बैठी हुई खेल रही थी, जो काफ़ी समय से उसके मतलब कि उसको भेका रहा था, उसके छेड़छाड़ कर रहा था। उसे मौका मिल गया, आज कोई नहीं है यहाँ पर, तो उसने चीज़ लाया, टोपी वोपी दिखाई, चीज़ें दिखाई उसे और बहला के ले गया। ले आने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करा उसने। और बच्ची की जब चीखी की आवाज़ आई, एक घर छोड़ के ही है वो, उनका कारखाना, जूतों का कारखाना है सैंडलों का, हाँ, दुष्कर्म का, साजिद नाम है उसका। और उसने दुष्कर्म करा तो भाभी ढूंढती भी आई कि कहाँ है बच्ची। जब उसकी चीखों की आवाज़ आई छज्जे से, तो वो भागी कि ऐसे कोई मार रहा होगा। वो मेंटली डिस्टर्ब है, बच्ची 9 साल की है और जिसने दुष्कर्म करा है वो 47 साल का है। उसने एक बार भी नहीं सोचा ये बच्ची है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो कुछ जानती नहीं है। उसके अंदर 1 साल का भी बच्चा होता है ना, उतना भी दिमाग नहीं है सही से, वो बोल नहीं पाती बच्ची कि बोलूँगी कैसे। लेकिन उनने जाके समझती सारी बातें, उनने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी ये करा, नंगा करा, नंगा करा, वो इशारों में बताया। मम्मी जब भी नहीं समझी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा, चेक करा, तो उसके साथ गलत घटना हो चुकी थी। भाभी गई, घर की लेडी से गई, उसे पकड़ा, मारा, पूछा, फिर वो हाथ छुड़ा के भाग गया। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।